बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ वो नारियल की मिठाई है, जिसे नारियल की बर्फी भी कहा जाता है। तो चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं ये एक कप जितना दूध ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है और पहले से बॉइल कर लिया था मैंने, तो रूम टेम्परेचर पर रख के ये दूध इसमें ऐड कर दिया मैंने कढ़ाई में। गैस ऑन कर दी और इसमें ये एक कप जो है सूखा नारियल जो होता है जैसे कि कोकोनट, वो मैं ऐड कर दूँ। और हाफ टी स्पून से मैं जो है वो इलायची का पाउडर, पीसी हुई इलायची है, सफ़ेद छोटी इलायची, वो मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये दूध जो है अब्जॉर्ब हो जाए बिल्कुल कोकोनट में। ये देखिए ये दूध बिल्कुल खुश्क हो गया। और इसमें ये जो है मिल्क पाउडर ऐड कर दूँ, ये भी एक कप ही। तमाम जितनी चीज़ें इसमें मैंने दूध और कोकोनट और ये ड्राई मिल्क पाउडर जो लिया है सब इक्वल एक ही मेजरमेंट कप का लिया है, तो आप भी जब लें तो एक ही मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो ये मैं खुश दूध इसमें डालूँगी। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। चार से तीन से चार मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो मैंने कोई कंडेंस्ड मिल्क वगैरह खोया ऐड नहीं किया है, सिर्फ इन तीन चीज़ों से मिला के ये बन रहा है। तो देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल अपनी मतलब हो गया, सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ड्राई हो गया है बिल्कुल। अब इसका मैं गैस कर देती हूँ ऑफ और इसे मैं बाउल में निकाल देती हूँ। गैस ऑफ करके मैं इसे बाउल में निकाल दूँगी। ये भी इस तरह से इसको मैं ठंडा कर दूँगी। ये मैंने जो है बाउल में डाल दिया था, अभी ये ठंडा हो गया। इसे ठंडा होने के बाद अब इसमें जो है मैं ये पीसी हुई चीनी जो है आइसिंग शुगर, ये मैं 5 टेबल स्पून तक डाल रही हूँ इसमें। ये आधी प्याली भी चीनी जैसे आप लेके उसको पीस लें तो आइसिंग शुगर बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। और इस तरह से अब ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। इसमें आइसिंग शुगर जो डालेंगे तो थोड़ी एहतियात से डालेंगे, क्योंकि थोड़ा मीठा मैंने इसमें 5 टेबल स्पून तक शुगर ऐड की है, इसलिए कि इसमें ड्राई मिल्क भी हमने ऐड किया है, तो वो खुश्क दूध जो है उसमें भी ऑलरेडी मिठास होती है। और चीनी एकदम गर्म इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर गर्म में डालेंगे तो ये एकदम चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी और ये पतला हो जाएगा, तो इसे पतला नहीं रखना है, इसको उसी तरह से रखना है। अब इसके बना देते हैं गोल, मैं इसके बॉल बना लेती हूँ। इस तरह से लेके इसके गोल गोल से बना देंगे बॉल्स। और ये जो कोकोनट है डाइस कोकोनट, इसके अंदर ऐसे अगर आपको ये लगता है कि बहुत पतला हो गया है तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा कोकोनट और जो है वो ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सारे गोल गोल बॉल बना के रेडी कर देंगे।
जिस तरह से रेडी हो जाएंगे सारे, बाकी इसी तरह से सारे रेडी कर देंगे। तो बस ये देखें, ये नारियल की मिठाई जो है वो रेडी हो गई है। आप चाहें तो, मैंने इसे फ्लैट शेप दिया है, आप चाहें तो इसे गोल सर्कल में भी बना सकते हैं, बॉल की सूरत में। तो इस तरह की ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा घर पर, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं जो बासानी घर में दस्तियाब रहते हैं, इनसे बासानी आप बना सकते हैं। बच्चों को बेहद पसंद आती है ये मिठाई, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।